कंपनीता हाँ अभय की तलाश में कितनी दूर आ गए हैं हम लोग, और अभय का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ होगा हमारा भाई, न जाने किस हाल में होगा कैसा होगा। स्वामी सब कुछ बर्बाद हो गया है। अभय को बाद में ढूंढ लीजिएगा, लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है जल्दी से कहीं ना कहीं से इंतजाम करके मेरी दवा ला दीजिए, नहीं तो अभय के मिलने से पहले मुझे आप जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं ऐसा मत बोलो, मैं जानता हूं इतने बड़े हादसों से गुजरी हो तुम, अभी अभी बच्चे की लाश दफना के आ रहे हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, और हमारे पास इस वक्त एक पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके कुछ दवा लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। कर ना सके प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, कर ना सके अनीता तो मेरे कुछ नहीं होगा। कर ना सके प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। अभी तो अपना ख्याल रखो, झोपड़ी में। हाँ सरदार जी, एक लड़की बैठी हुई है। हाँ सरदार जी, इसी से बात करता हूँ। हाँ सरदार जी, बात करके देखो सर। अगर इस झोपड़ी में इसको छुपाने का मौका मिल जाता है, हाँ सरदार जी, तो इसकी जान बच जाएगी। ठीक है, ठीक है सरदार जी। और बहन जी, बहन जी, देखिए मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डाकू माधव सिंह। आप डाकू हो? जी। और बहन भी कह रहे हो? अरे भाई, बहन को बहन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? इधर आओ। जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहन, उसे तुम्हें मानना भी होगा। बहन कह रहे हो तो मानना तो पड़ेगा ही ना, बोलिए क्या कहना चाहती हूँ। बात को मेरे इल्तार करना नहीं, मेरे पुल पीछे पड़ी है पुली।
से आए बहन, ये है पागल इसे पहला गोली लगी, ये है पागल इसे पहला गोली लगी, जाने इसकी बचाना जरूरी बहन, ये है पागल इसे देखो तुम हमारी बहन की तरह हो और इस पागल को गोली लग गई है, अगर तुम हमारी मदद कर सको तो उसको अपने घर में छुपा लो वरना ये मर जाएगा। बोलो बहन। मेरी बात सुनिए भैया। बोलो। आपने माना मुझे तो आपने माना मुझे तो है अपनी बहन, शौक से जाओ घर में मेरे सुपो आए कि जब पुलिस मैं संभालों से आए, आए जब पुलिस मैं संभालों से जाने सीखी बचाओ ना तेरी करो आए, जब पुलिस मैं आज बहन तुमने डाकू माधव पर ऐसा एहसान किया है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो एहसान का बदला हम एहसान से ही चुकाएंगे। नहीं भैया, एक बहन कभी भाई के ऊपर एहसान नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो मेरा एक बहन का फर्ज है जो मैं अदा कर रही हूँ। बड़ी अच्छी बात। आप शौक से जाइए मेरी झोपड़ी में छुपिए, चाहे कोई भी आएगा मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक बहन का है। तुमने भाई माना है मुझे, पहले मैं डाकू माधव सिंह हूँ, उसके बाद किसी के बहन भाई हूँ। अगर पुलिस हम तक पहुंचाई बहन तो समझ ले तेरी जान का खतरा भी हो सकता है। साथ ही एक काम करो, उठाओ झोपड़ी में बच्चे को छुपाओ, उसके बाद हम पुलिस से निपटते हैं। उठाओ से उठाओ। कहिए साहब, सूरत तो जानी पहचानी सी लग रही है। मैं चौकीदार, एक बार बताओ इधर से कोई डाकू गया क्या? नहीं साहब, मैं यहाँ पे काफी देर से हूँ, इधर से कोई नहीं आएगा, ना तो कोई आया ना तो कोई गया, और आप जिस डाकू की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो कोई नहीं आया साहब। चौकीदार इधर देख, ये साली खून के छींटे इधर से गया, और ये औरत हमको बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है। क्या रे औरत, इधर तू हमारी बात,
क्या बात है साहब? साहब मैं सच कह रही हूँ, मैंने आप किसी डाकू को नहीं देखा, मेरा विश्वास कीजिए। तुमने डाकू को नहीं देखा तो ये खून के छींटे कहां से आए? हाँ साहब, मेरी मेरा ही खून है ये। तेरा ये क्या कर रहे हैं? क्या करूं? हा? क्या करूं? तुम्हारी आरती उतारूं? आरती उतारने की जरूरत नहीं है। बेवजह क्यों मार रहे हैं मेरी औरत को? क्या गलती किया? बार बार तुम मुझे परेशान करने क्यों चले आते हो? मेरी बीबी की तबीयत नहीं ठीक है, अभी दो तीन दिन हुआ मैं अपने बच्चे को दफनाया, अपने मासूम बेटे को मरते हुए अपनी आंखों से देखा है, वैसे ही तबीयत नहीं ठीक है उसकी, और मैं उसके लिए दवा लेने गया हूं। तुम आने के बाद उसे क्यों मार रहे हो? क्या खता किया है उसने? तुम साले डाकुओं के मुखबिर हो। डाकुओं का मुखबिर मैं नहीं हूं ऑफिसर, डाकुओं का मुखबिर तुम जैसे कानून वाले होते हैं, रिश्वतखोर गद्दार। मुझको बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगता है, जो जो रहता है अगर उसे वही बात कहो तो उसे अच्छा नहीं लगता, अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है उसे। अबे हसन, मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, तुरंत यहाँ से चले जाओ तुम। मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ तुरंत जाओ यहाँ से। ये साला डाकू का मुखबिर है, अभी अभी डाकुओं को रास्ता बता के यहाँ से भागा। तुम्हारे जैसे मैं देशद्रोही नहीं हूँ। और इसकी औरत झूठ बोली कि डाकू इधर से नहीं आए। जब डाकू इधर से आए नहीं तो ये खून के छींटे कहाँ से आए? खून के छींटे? हाँ। अरे ये कुटिया कितनी बड़ी है, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई जानवर मर गया होगा। जानवर आ गया? कहाँ छिपेगा डाकू? रहे रहा है। देखिए मैं कानून की इज्जत कर रहा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ, आप लोगों से। तू कानून की? हम लोग वैसे ही बहुत परेशान है, अपने भाई को ढूंढ रहे हैं। देखो मेरी बात समझने की, मेरी बात समझने की कोशिश करो इंस्पेक्टर, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम मजबूर मत करो। एक भी बात है तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मैं कहता हूँ मजबूर मत करो। तुम भी हो, तुम्हारी पत्नी भी है। क्या साबूत है? कहाँ है डाकू यहाँ पर? डाकू हो तो ढूंढ के लाओ। डाकू नहीं है तो खून के जीने कहाँ से? ये मैं नहीं जानता। मेरी बात समझ के बच्चे पे कमीने तुझाया सितम, जान बच सकती साले नहीं आज से। सामने डाकू माधव तेरे है खड़ा। नया साली जमाते हैं, नया साली। आओ आओ, बस बस रुक जा। आओ साले आओ, खड़े हैं। एक्सरा
बहुत बड़ा एहसान होगा साहब आपका। एक्सलेंट, आज आप लाए होते तो ये आराम ज्यादा हम पति पत्नी हाथ के हाथों में हथकड़ी लगा कर जी। भाई साहब, भाई साहब आप बगल हो जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी हमारे सर पे खून सवार है साला, दरोगा भंग राज कुत्ता साला। मैं जाता देखा सारा गरीबों पर अत्याचार करने वाला, आज इस गरीब को कल उस गरीब को, एक दिन ऐसा था साला मुझको अपने चक्कर में फंसा लिया था। मरेगा भंग रजवा तुझू, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। अरे हमारी कौन सी कमी है यार, तू हमारे हमारी तुम्हारी तो क्या है जो तुम मेरे जान के पीछे पड़ गए हो। ला पगड़ी से तो तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी है, तुम डाकू हो हाँ। और मैं एक सिपाही हूँ हाँ। तुम मतलब देश के रक्षक हो? मैं देश का रक्षक हूँ, तुम देश के रक्षा रक्षा करने वाले हो और क्या हाँ? और क्या, मैं कानून का बागी हूँ, मैं कानून का दुश्मन हूँ। तुम कानून के दुश्मन हो? अब किसने बनाया मुझे दुश्मन? कौन बनाई इसे? मुझसे क्या मतलब है यार? तुमसे कोई मतलब नहीं। मैं क्या जानू तुमको दुश्मन कौन बनाया, तुम्हारा दुश्मन अभंग राज। मैं सीतीपुर का रहने वाला, कोई और नहीं, मनोज कुमार हूँ कुत्ता हराम। रामजादा साहब, बाबूजी बाबूजी, अरे चौकीदार चल इधर आ, इधर आओ, एक मिनट रख दो बंदूक, उठा लो ये, मारे साले कोई से। रामजादा अपने आप को चौकीदार नहीं, साला कमिश्नर समझ रहा था अपने आप को ये। अरे भाई साहब बहुत पुराना हिसाब चुकवाना है इससे। अरे हम बहुत पहले से अच्छे हैं, बहुत बड़ी आदमी दिखाई दे रहे हैं। मनोज की बहन बच्चलन है, मेरी बहन बच्चलन है, मेरी बहन बच्चलन है, और मैंने जबरदस्ती उसको अपनी पत्नी को मार डाला। ये बात कौन कह रहा था? तू कह रहा था? करेगा करेगा डांस करेगा। कौन है बेटू? चौकीदार है सारे? तुम्हारी वजह से हम फैला। मैं बात कर रहा हूँ तो सारे उनका कर आ रहा है। कौन है तू? मैं चौकीदार हूँ। कौन जाते हैं बेटे? हम पास ही है। झूठ मत बोल, साफ साफ बता साले कौन सा जात का है? आप जानते हैं कि चौकीदार ज्यादा कहीं पसिए करबई कर चौकीदार। तेरी जात बता, आधार कार्ड लाओ साले, पता चलेगा। आधार कार्ड घरे भूल यही साहब। हराम खोर, बताओ ना जान से मार दूंगा। अब सही बताई साहब, एकदम सही सही बताओ। दे नहीं पिला जाएगा, बता दे। बस सारे ने छोड़ दे तो होका सारे हम गिराज मारी थम। बता दे तेरी याद का। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बोल बोल। इसके साथ रहते रहते मैं मंगता बन गया हूँ भैया। बस बस सारे हम समझ गए, काहे बहुत घमंडी आ गया है सारे। घमंडी आए नहीं, अब हम उसे रजवा के साथ रहते रहते काफी दोस्ती हो गई है तुझसे, इसे मार मार साले से। अबे साले तूने हमारा नमक खाया है सारे, तो हाँ नमक। जितना जितना दोषी मैं हूँ उतना ही दोषी तू, तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा साले।
मैं तेरा नमक नहीं सारे दुकान का नमक खाया हूँ। अबे पैसा तो मैं ही दे रहा था ना। साले खैरात के देता था। साले हम चौकीदारी नहीं करेंगे साले, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तेरी चौकीदारी के हम वर्दी उतार दिए हैं। अब साले तू हमको टोपी दे, टोपी दे साले। अब उसे जाने दे यार। अब तू कहा